नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अब तक कई तरह के गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम बिहार लाने का काम भी शुरू हो गया है। साथ ही 4 पदों के लिए ईवीएम से और 2 पद के लिए बैलेट पेपर से चुनाव के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें, बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार 6 विभिन्न पदों के लिए मतदान होंगे, जिनमें से मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। इसके लिए 1.83 लाख ईवीएम की व्यवस्था की जा रही है। वहीं अन्य 2 पद के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए आयोग तकरीबन 1.5 लाख बैलेट बॉक्स तैयार कर रहा है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी गई है और संक्रमण से बचाव के लिए कई तरह के नियमों को भी लागू किया गया है। इसी बीच 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में मतदान के लिए माने गए दस्तावेजों में 2 और दस्तावेजों को मान्यता दे दी गई है, जिसके तहत अब ऐसे मतदाता जिनके पास मतदाता पहचान पत्र या फिर अन्य प्रमाण पत्र ना हो, तो उनके लिए हथियार का लाइसेंस और जमीनी कागजात भी मतदान के काम आ सकते हैं। जानकारों की माने तो आगामी पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान का हिस्सा बने, इसको ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लिया गया है। वहीं इससे पहले पंचायत चुनाव में मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक 16 दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए मान्यता प्राप्त दस्तावेज आधार कार्ड, राज्य केंद्र सरकार के कर्मियों को जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंक या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसद और विधायकों का जारी पहचान पत्र, फोटो लगा स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, विकलांगता पहचान पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, शैक्षणिक संस्थानों से जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, संपत्ति दस्तावेज और जमीन का केवाला, इन तमाम सूची में कोई भी प्रमाण पत्र या पहचान पत्र हो तो मतदाता मतदान कर सकते हैं। वहीं अब हथियारों के लाइसेंस और जमीन के कागजात को भी दस्तावेजों की सूची में शामिल करने का काम किया गया है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 दस्तावेजों को ही मान्यता के लिए मंजूरी दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले महीने से बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो जाएंगी, जिसके बाद सितंबर अक्टूबर महीने में पंचायत चुनाव के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। हालांकि पंचायत चुनाव का आयोजन कई महीने पहले ही होना था, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच ईवीएम को लेकर फंसे मामले के कारण परेशानी बढ़ गई है, जिसके बाद मामले का अंजाम नहीं आने के साथ ही पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर तारीख का फैसला नहीं हो पाया था, जिसके बाद मामलों को सुलझाने की उम्मीद जागी तो कोरोना की दूसरी लहर ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। हालांकि अब जहां एक तरफ ईवीएम के मुद्दे को सुलझा लिया गया, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में भी कमी देखी जा रही है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को उम्मीद है कि चुनाव का आयोजन समय पर करवाया जा सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।